देखिए वार्ड नंबर 6 से अनिल यादव उम्मीदवार है, चुनाव चिन्ह है स्कूटर का और पहुंचे हैं चुनाव प्रचार के लिए बालदन खुर्द में। और हम आपको ये पंचायत दिखा रहे हैं, ये पंचायत घर है और पंचायत घर में यहाँ पर उनका भव्य स्वागत किया गया है। क्या कुछ वो कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर लोगों को संबोधित किया है और बताया है और यहाँ पर जो इनका भव्य यहाँ पर पगड़ी बना करके स्वागत किया गया और 82 साल के बुजुर्ग गांव के जिन्होंने कसम खाई है कि मैं अस्वस्थ होते हुए भी जो है उनकी मदद के लिए यहाँ पर आया हूँ, तो सीधा अनिल जी से जानते हैं क्या कहेंगे, क्योंकि बालदन खुर्द की पंचायत पिछले कई देर से यहाँ इंतजार कर रही थी और यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे, क्योंकि गांव लंबे हैं, 16 गांव हैं, तमाम जगह जाना है, प्रचार करना है, प्रसार करना है। और ये तमाम युवा गांव के बुजुर्ग जो है अलग अलग गांव से यहाँ पर आए हैं, उनका जो मान सम्मान किया है बताता है कि अब चुनाव अपने उफान पर है और प्रचार में तेजी लानी है, समय का अभाव है। सीधा अनिल जी से जानते, बोले अनिल जी, आप बालदन खुर्द में आए, क्या कहेंगे आपका जो स्वागत किया गया? मेरे को जो आज इतना प्यार और इतना इतना वो मिला है, मैं जिंदगी भर इसका ऋणी रहूंगा। मेरा सम्मान किया है पूरे गांव ने और मैं इसका जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। क्या कहेंगे वोटों की, क्या अपील करेंगे, आपका सपोर्टर का निशान है? मेरे को पीछे भी बालदन खुर्द से अच्छे मार्जिन से मैं सबसे आगे था और आगे भी मेरे को ये उम्मीद है कि मैं सबसे आगे बालदन खुर्द में मैं सबसे आगे रहूंगा। ये मेरे को पूरा आश्वासन है बालदन खुर्द से और आसपास के इलाकों से। आसपास के इलाकों से बालदन खुर्द में 1300 करीब वोट है, देखिए किस तरीके से गांव वाले स्वागत कर रहे हैं ताली बजा करके। और ये अपने आप में चुनाव प्रचार बताता है कि कितनी शालीनता से और भव्य तरीके से गांव वालों ने इनका स्वागत किया है। जाहिर है चुनाव अपने पूरे उफान पर है और जिस तरीके से एक के बाद एक गांव को कवर करेंगे, गांव वालों की समस्या भी सुनेंगे, परेशानी भी सुनेंगे और उनको आश्वासन भी दे रहे हैं। हम सबसे पहले जनाब आपसे बात करेंगे, आप सबसे बड़े बुजुर्ग हैं, आप बता रहे कि अस्वस्थ हैं। फिर देखिए मैं तो जो कुछ कहना चाहता था मैं कह चुका हूँ कि मैं भाई अनिल से पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे इतना मैं इतना आश्वस्त हूँ कि ये जो भी इस क्षेत्र के अंदर अगर सफलता लेकर के आते हैं तो इस गांव के लिए हर परिस्थिति के अंदर बढ़िया से बढ़िया काम जो इन गांव के बचे हुए हैं जो ये कर पाएंगे करेंगे। आपने वादा कर लिया? आधा बिल्कुल 100% वादा करता हूँ मैं, 100% वादा करते हैं और वादा कर लिया है कि गांव वालों को अनिल जी को जिताना है, वोट देने हैं झोली भर भर के और फिर जो इनके काम है तमाम गांव काम होंगे, क्योंकि पहले भी पार्षद रहे हैं और दूसरी बार जो है चुनावी मैदान के अंदर ये तमाम युवा जो देखिए ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, भीड़ बताती है कि किस तरीके से रुझान है और प्यार है गांव वालों का। ये बालदन खुर्द से हमने आपको दिखाई, इनके और भी गांव में चुनाव प्रचार में हम जाएंगे और देखेंगे किस तरीके से लोग इनका स्वागत कर रहे हैं। ये हमने आपको दिखाया बालदन खुर्द से और जो गांव वाले हैं उनकी परेशानी समस्याएं हैं जो मांगे हैं एक बार वो भी हम उनसे जानेंगे। जनाब अभी आप कुछ अपनी परेशानी बता रहे थे गांव की, क्या क्या काम है? ऐसा है कि जो हमारे गांव से अप्रोच दूसरे गांव के लिए रास्ते हैं कच्चे 27 फुट के 27.5 फुट के 22 फुट के जो कच्चे रास्ते हैं, बारिश के टाइम में वैसे भी पानी के फुहारे वगैरह से पानी भर जाता है, तो हमें 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर से चक्कर काट के बेरली होते हुए या दड़ोली होते हुए जाना पड़ता है। लेकिन जो एक बालदन से मोतला रास्ता है कच्चा और एक मोतला से जाटूसाना जो रास्ता है, ये बड़े रास्ते हैं। तो आपको उम्मीद है अनिल जी जीतेंगे तो आपका ये समस्या हल? उम्मीद है तभी तो हमने बताया, उम्मीद है और यही चीज दर्शाती है कि चुनाव में जब कैंडिडेट आता है तो उससे कितनी उम्मीदें लगती है। आप सबको मालूम है आने वाली 9 तारीख को जिला पार्षद और ब्लॉक समिति के चुनाव है। मैं आप सबके बीच दोबारा से जिला पार्षद का चुनाव के लिए आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये आप सबकी लड़ाई जिला पार्षद की नहीं जिला प्रमुख की लड़ाई है कि कुछ लोगों द्वारा ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि 5 गांवों ने मुझे समर्थन दे दिया, 6 गांवों ने मुझे समर्थन दे दिया। मुझे 5-6 का नहीं 16 के 16 गांवों का समर्थन है और विपक्ष इतनी बुरी तरह घबरा गया है, हम का एक कैंडिडेट और खड़ा कर दिया है ताकि लोगों के बीच भ्रम पैदा किया जाए कि अनिल कौन सा है, अनिल कुमार है या अनिल यादव है। तो आप सब लोगों से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अनिल यादव स्कूटर का निशान 2 नंबर का बटन है। आप घर में परिवार में सबको ये बात जरूर बतानी है कि 2 नंबर के बटन पे स्कूटर का निशान अनिल यादव।
और बालदन खुर्द के लोगों को ये उम्मीद है कि अनिल जी ने जो पहले काम किए उससे बढ़ के और काम होंगे, क्योंकि इस बार लड़ाई लंबी है और लंबी है जिला प्रमुख को लेकर के। जाहिर है चुनाव जीतेंगे, जिला प्रमुख बनेंगे तो और भी यहाँ पर काम होंगे। फिलहाल इतना ही, कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR News रेवाड़ी।